इतिहास रचने को तैयार चंद्रयान 2 आज चांद के सबसे करीबी मैन्यूरी ऑर्बिट में करेगा प्रवेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने ट्वीट के जरिए बताया कि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चांद की चौथी और आखिरी कक्षा के समीप पहुंच गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट के सभी पैरामीटर सामान्य है। ये आज यानी 1 सितंबर को चंद्रमा के मैन्यूरी ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। आईफोन 11 लॉन्च, इस तरह एप्पल के सितंबर 10 इवेंट को देखे लाइव। एप्पल ने हाल ही में अपने आईफोन लॉन्च इवेंट की घोषणा कर दी है। ये सीरीज सितंबर 10 को आयोजित होने वाले इवेंट में लॉन्च की जाएगी। एप्पल अपने इस इवेंट को स्पेशल स्टीव जॉब थिएटर में आयोजित करेगा। इस इवेंट की शुरुआत अमेरिका समयानुसार 10 सितंबर को 10 बजे को की जाएगी। भारत में इस इवेंट को रात के 10:30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। एयरटेल फिर बना नंबर 1 मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। इंडिया के स्पॉट नेटवर्क एयरटेल ने एक बार फिर स्पीड के मामले में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पछाड़बाजी मार ली है। मोबाइल नेटवर्क स्पीड मेजरमेंट फर्म उकला ने हाल ही में आई अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपने प्रतिद्वंदी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के मुकाबले एयरटेल एक बार फिर सबसे अच्छा नेटवर्क और सबसे हाई स्पीड डाटा सर्विस देने में कामयाब रहा है। रेडमी का पहला 5G मिड रेंज स्मार्टफोन लेगा 2020 में एंट्री। रेडमी K30 होने की संभावना। Xiaomi का सब ब्रांड रेडमी अपना पहला 5G रेडमी फोन अगले साल यानी 2020 में लेकर आएगा। चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वेबो एक बार पोस्ट में कंपनी ने कहा है कि वो 5G के इस्तेमाल को बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि रेडमी किफायती 5G फोन को लेकर आने की योजना बना रहे हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।